My dear student, welcome to Balabalaji World with another and wonderful session, right? So topic for today is allergy. इससे पहले भी थोड़ा बहुत allergy discuss करा, पर मुझे satisfaction नहीं हुआ कि as a medical student आपको थोड़ा सा और information update करना चाहिए regarding allergy. तो कोई भी question NEET regarding या AIIMS regarding कोई भी question आपको skip नहीं होता. तो सबसे पहले जान लेते हैं what is the meaning of allergy, उसके बाद core topic में enter करते, right? तो allergy is a immune system associated disease, right? और ये एक तरह का respiratory disease. तो देखते हैं क्या allergy का मतलब क्या होता है कि इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी रिएक्ट एबनॉर्मली. कैसे रिएक्ट करेगा इम्यून सिस्टम? एबनॉर्मली रिएक्ट करेगा टू ए फॉरेन सब्सटेंस. फॉरेन सब्सटेंस क्या है? जो अपना बॉडी का पार्ट नहीं है, जो बाहर से आने वाले हैं, जो एनवायरमेंट से आने वाले हैं. तो ये कैसा रहता है? एनवायरमेंटल. एनवायरमेंटल, ठीक है. तो एलर्जी हमेशा कैसा रहता है? एनवायरमेंटल रहता है, राइट. तो ये बात है कि इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी रिएक्ट एबनॉर्मली टू ए फॉरेन सब्सटेंस, राइट. एबनॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा बॉडी के अंदर जो नॉर्मली होना नहीं चाहिए, पर अनवांटेड एक्सेस अमाउंट में क्या हो जाता है? इम्यून सिस्टम रिएक्ट कर देता है. तो उसको क्या बोलते हैं? एलर्जी. अब देखते हैं एलर्जी कॉज कौन करता है. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट पे हम फोकस करेंगे कि एलर्जेन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल विच कॉज एलर्जी, राइट. तो एलर्जन बोल के कुछ एनवायरमेंटल सब्सटेंस रहता है, फॉरेन सब्सटेंस, जो क्या करता है? हिस्टामिन को रिलीज कराते. कहां से? मास्ट सेल से हिस्टामिन को रिलीज करा देते, और जिसके वजह से क्या होता है? एलर्जी होता है. ये बात याद रखिएगा कि एलर्जन, हिस्टामिन, मास्ट सेल, राइट. तो हिस्टामिन कहां से रिलीज होता है? मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है, ठीक है. और हिस्टामिन को मास्ट सेल से रिलीज कराने के लिए मजबूर कौन करता है? एलर्जन, ठीक है. इससे पहले कोर टॉपिक में एंटर करने से पहले आपको एक दो इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलर्जन वर्सेस एंटीजन, एंटीजन, राइट. तो अब देखिए एलर्जन और एंटीजन को अच्छे से समझ लेने के पहले यहां पर कुछ और आइडिया आपको छुड़ाना जरूरी है. मानिए कि ये जो मैंने यहां पर ड्रॉ किया, ये क्या है? ये मानिए कि एक बैक्टीरिया है, ठीक है. ये भी क्या है? मानिए कि ये एक वायरस है, राइट. ये एक वायरस है, मानिए कि कोरोना वायरस. तो ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है. तो दोनों हमारे लिए क्या है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. अब देखिए बैक्टीरिया और वायरस को क्या बोलते? पैथोजेन. इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली? पैथोजेन. अब देखिए पैथोजेन के बॉडी के ऊपर, ये वायरस बैक्टीरिया, इसका बॉडी के ऊपर क्या रहेगा? बैक्टीरियल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन, ये सारा चीजें इसका बॉडी के ऊपर नॉर्मली रहेगा. तो ये नॉर्मल प्रोटीन बैक्टीरिया और वायरस के बॉडी के ऊपर जो नॉर्मल प्रोटीन है, बैक्टीरियल और वायरल प्रोटीन, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? एंटीजन. बात को ध्यान से समझिए. एंटीजन किसको बोलेंगे? मानिए कि ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया. तो एंटीजन का और क्लियर आइडिया आपको हो जाएगा. ये एक बैक्टीरिया है, एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं है, ये एक कांच का बॉटल है. तो अगर आपने एक कांच का बॉटल को उठाया और फ्लोर पे ऐसे जोर से धक्का मारा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका बॉडी पीस पीस, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है. तो मानिए अगर इसको अगर आप वायरस कंसीडर कर रहे हैं और वायरस को अगर बॉडी के अंदर तोड़ दिया, तो ये वायरस टूट जाएगा, मतलब बहुत सारा पीसेस में टूट जाएगा. एवरी पीस ऑफ दिस वायरस इज एक्ट एज एंटीजन. बात समझ में आया, ठीक है. तो अगर ये एंटीजन और पैथोजेन अपना बॉडी में आया, ठीक है, तो ये 100% क्या करता है? डिजीज कॉज करता है. DIACASE डिजीज कॉज करता है, ठीक है. मान लो कि यहां पर पॉपुलेशन में 1000 इंडिविजुअल है, तो 1000 इंडिविजुअल के अंदर अगर कोरोना वायरस आया, ठीक है, तो कोरोना वायरस के ऊपर क्या रहेगा? उसका खुद का एंटीजन रहेगा, ठीक है. तो ये 1000 इंडिविजुअल क्या हो जाएगा? कोरोना वायरस से अटैक हो जाएगा, मतलब डिजीज हो जाएगा. पर एलर्जन के बारे में ऐसा नहीं है, ठीक है. एलर्जन क्या होता है? वो एनवायरमेंटल होता है, मैंने बताया यहां पर, एनवायरमेंटल, ठीक है.
तो मानिए एलर्जन में कौन है, जैसे कि मानो कि पोलन, POLLEN, पोलन जो फूल से पैदा होता है, ठीक है, फ्लावर से। उसके बाद मानिए कि डास्ट है, DUST, डास्ट, ये सब क्या है, एलर्जन हो सकता है। अब देखिए, अगर ये 100,000 इंडिविजुअल के अंदर अगर आपने पोलन डाल दिया, नाक से पोलन चला गया, डस्ट चला गया, तो क्या 100 इंडिविजुअल ने डिजीज होगा क्या, एलर्जी होगा क्या? बिल्कुल नहीं, नहीं होगा, ठीक है। पॉपुलेशन का ओनली 80% इंडिविजुअल क्या रहेगा बताइए, अनएफेक्टेड। ओनली नहीं, 80% इंडिविजुअल एलर्जन जाने के वजह से क्या होगा, अनएफेक्टेड, कुछ नहीं होगा 80% इंडिविजुअल में। पर बाकी 20% इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, ये अगर एलर्जन गया तो ये क्या हो जाएगा, एलर्जी से सफर करेगा। बात समझ में आया क्या बच्चों? तो ये होता है बेसिक डिफरेंस बिटवीन एलर्जन एंड एंटीजन। दैट्स मीन एलर्जन डज नॉट अटैक एवरी इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज, ठीक है, बट एंटीजन अटैक 100% इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, राइट। अब हम एंटर करते मेन टॉपिक के, कि व्हाट इज एलर्जी और कैसे ये कॉज होता है, कैसे कॉज होता है और कैसे इसका फिजियोलॉजी, कि ये ठीक भी कैसे होता है और क्या इसका दवाई है और किस तरह से ये बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, राइट। हाँ बच्चों, तो अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो मानिए कि ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जस्ट मानिए कि ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये मैंने यहाँ पर एक लंग ड्रॉ किया और यहाँ पर और एक लंग, ठीक, दो लंग है। अब क्या होता है, लंग के अंदर ये जो ब्रोंकी है, ब्रोंकी या ब्रोंकाई, ये सब डिवाइडेड होता है। तो इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया ट्रकिया, CHEA, ट्रकिया। ट्रकिया बाद में सब डिवाइडेड होता है कि इसमें प्राइमरी ब्रोंची, प्राइमरी ब्रोंची फिर से सब डिवाइडेड होता है सेकेंडरी ब्रोंची, उसके बाद फिर से सब डिवाइडेड होता है टर्शियरी ब्रोंची, इस तरह से डिवाइडेड होता है। और अल्टीमेटली ये मतलब लास्ट डिवीजन को क्या बोलते हैं, ब्रोंचिओल। और ब्रोंचिओल के बाद यहाँ पर स्टार्ट होता है क्या बनना, एल्वियोलाई। क्या बनता है, यहाँ पर बनता है एल्वियोलाई, ठीक है, छोटा छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोलाई बोलते हैं। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो जाता है। अब देखिए, अब अपने आप मान लो कि आप एक एलर्जिक पेशेंट हो, या कोई मतलब मैं खुद एक एलर्जिक पेशेंट हूँ, मेरे को डस्ट एलर्जी है, ठीक है, तो खाली डस्ट एलर्जी नहीं, पोलन वोलन सबसे एलर्जी है। अब आपने इनहेल किया, ऑक्सीजन इनहेल किया, ठीक है, तो आपका एम था ऑक्सीजन लेना, पर जब आपने सांस लिया तो आपके बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या आ गया, पोलन, पोलन या तो मान लो कि डस्ट आ गया, ठीक है, डस्ट आ गया। तो नॉर्मल अगर पर्सन है, नॉर्मली 80% इंडिविजुअल को क्या होता है, डस्ट एलर्जी नहीं होता, आपको एलर्जी नहीं होता, पर 20% इंडिविजुअल को क्या होता है, ये एलर्जिक पेशेंट रहता है। अब मानो कि कोई एक नॉर्मल पर्सन के अंदर ये डस्ट या पोलेन आया, ये क्या आ गया, ये हो गया पोलेन, POLLEN, पोलेन आ गया, राइट, ऐसा ही गोल गोल पोलेन आ गया, ढेर सारा आ गया। तो ये पोलेन क्या करेगा, आप देखिए यहां पर और दो चीज आप याद रखना, कि अभी फिलहाल याद रखिए कि पोलेन आपको अंदर आ चुका है, लंग्स के अंदर आ चुका है। अब यहां पर ये जो लंग्स है, यहां पर क्या रहता है, यहां पर स्मूथ मसल रहता है, ठीक है, ये ब्रोंकास, ब्रोंकियोल, इसके साइड में क्या रहता है, इसका स्मूथ मसल रहता है, ऐसा स्मूथ मसल रहता है, राइट, हर जगह रहता है, मैं जस्ट एक दो जगह इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, इसको बोलते ब्रोंकियोलर स्मूथ मसल। तो सीधा मैं SMOOTH, स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल है। दूसरा बात, स्मूथ मसल के अलावा यहाँ पर कुछ यूनिक टाइप का सेल रहेगा, ये सब जगह पे यूनिक टाइप का सेल रहेगा, राइट, ऐसा बहुत है, तो बहुत सारा सेल रहता है। तो ये जो यूनिक टाइप ऑफ सेल है, यहाँ पर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ये जगह पे भी ड्रॉ कर देता हूँ, जबकि आपको इधर साइड में कुछ और एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा ये सब डिविजन हुआ, राइट। तो यहाँ पर ये क्या है, स्पेशलाइज सेल है, ठीक है, तो ये सेल का नाम है मास्ट सेल, MAST, मास्ट सेल।
तो मानिए कि यहाँ पर ये जो है ये मास्ट सेल है, राइट, ये है मास्ट सेल, ठीक, ये मास्ट सेल है जस्ट, तो यहाँ से जूम करके मैंने यहाँ पर बताया मास्ट सेल, ठीक है। ओ तो क्या बताया, एक तो बताया मैंने स्मूथ मसल, दूसरा क्या बताया मास्ट सेल, और लंग्स को प्रोटेक्शन सर्व करने के लिए ये जगह पे क्या रहता है, जगह जगह पे ऐसा मैक्रोफेज बोल के एक सेल रहता है, कौन सा सेल रहता है बताइए, ये मैक्रोफेज रहता है, यहाँ पर जगह जगह पे क्या रहता है, यहाँ पर ये सब जगह पे मैक्रोफेज रहता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ, ये लंग्स में रहता है मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, ठीक है। तो लंग में जो मैक्रोफेज रहता है उसको डस्ट सेल भी बोलता है, डस्ट सेल, याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो लंग्स में जो मैक्रोफेज रहता है उसको रेसिडेंशियल मैक्रोफेज बोलते हैं, और वो रेसिडेंशियल मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, डस्ट सेल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कमाल हो रहा है, अब आपने जब इनहेल किया यार, इनहेल किया तो उसके साथ क्या आ गया, पोलेन, क्या आ गया ये बताइए, ये सब जो आया पोलेन आया। अब मैक्रोफेज का काम क्या है, अगर कोई डस्ट आता है यार के साथ, तो डस्ट आता है या वायरस आता है या बैक्टीरिया आता है या कोई पोलेन आता है, तो मैक्रोफेज का काम क्या है, उसको एनगल्फ कर लेना, उसको खा लेना और लंग्स को क्लियर कर देना। तो मैंने कि ये जो मैक्रोफेज है इसको मैं बाहर जूम करता हूँ, राइट, यहाँ पर जूम कर देता हूँ, तो मानिए कि ये मैक्रोफेज है, ठीक है, ये मैक्रोफेज है, ठीक। तो मैक्रोफेज को क्या सेंस हुआ, यहाँ पर अंदर जब भी पोलेन आया तो मैक्रोफेज ने ये पोलेन को क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया, क्या कर लिया बताइए, ये पोलेन को उसने क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया, एनगल्फ करके इसने क्या कर दिया, मैक्रोफेज पोलेन को स्वागत नहीं करा, ठीक है, इसको खुद का भोजन बना लिया, ठीक है, और अंदर लेके इसने क्या करा, लाइसोसोमल एंजाइम से पीस 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 कर दिया, मतलब पोलेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी देख रहा है, पोलेन को मैक्रोफेज ने क्या कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या होता है, अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करा तो क्या होता है, तो ये पोलेन का एक टुकड़ा क्या करते हैं, मैक्रोफेज के ऊपर कुछ स्पेशलाइज रिसेप्टर हुआ करता है, ठीक है, कुछ स्पेशलाइज प्रोटीन रिसेप्टर होता है, ठीक। तो ये जो रिसेप्टर है, ये जो प्रोटीन है, इसका नाम MHC2, इसका लॉन्ग फॉर्म है मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, लिख लीजिएगा। ये जो MHC प्रोटीन है, इस मैक्रोफेज के ऊपर MHC प्रोटीन रहता है, ये MHC प्रोटीन का लॉन्ग फॉर्म क्या है, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, राइट। अब क्या हुआ, ये मैक्रोफेज ने जो पोलेन यार के साथ आया, ये पोलेन को डिस्ट्रॉय कर दिया, पार्शियली डिस्ट्रॉय करा। तो पार्शियली डिस्ट्रॉय करके क्या करा, इन्होंने पोलेन का एक टुकड़ा क्या करा, ये MHC मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, दिखाया, किसको दिखाया, बाकी इम्यून सेल को दिखाया, ठीक है। तो देखो मैंने शुरुआत में बताया था कि ये जो एलर्जी है ये क्या है, अनवांटेड एक्सेस रिएक्शन, इम्यून सिस्टम मतलब एक्सेस रिएक्शन कर देते, तो उसको क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। अब MHC मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करा, ये पोलेन एंटीजन क्या करा, उन्होंने दिखाया, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा है इसको बोलेंगे पोलेन एंटीजन। अब ये पोलेन एंटीजन को देख के और बॉडी का अपना और एक बॉडी का और एक सेल है जो क्या करा, एग्रेसिवली इसका पास में आके कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल अब बहुत ही हैप्पी है क्योंकि इसको काम करने के लिए मिल गया, ठीक, राइट। ये कौन सा सेल है बताइए, ये टी सेल है, तो ये सेल का नाम है टी सेल, ठीक। तो टी सेल आके क्या करा, MHC विथ पोलेन एंटीजन इसके साथ आके कनेक्ट हो गया। तो टी सेल किसके थ्रू कनेक्ट हुआ, इसका नाम है टी सेल रिसेप्टर। ऑब्वियसली टी सेल के ऊपर किसका रिसेप्टर रहेगा, टी सेल का रिसेप्टर रहेगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर जब भी टी सेल पोलेन एंटीजन के साथ MHC2 मॉलिक्यूल के साथ कनेक्ट हो गया, तो टी सेल अंदर से स्टिमुलेटेड हो गया, ये स्टिमुलेटेड हो गया, स्टिमुलेट होके टी सेल ने क्या करा, दो केमिकल रिलीज कर दिया, कितना केमिकल, दो केमिकल। तो ये केमिकल का नाम होता है इंटरल्यूकिन 5, और एक केमिकल का नाम होता है इंटरल्यूकिन 4, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो देखो मैक्रोफेज को पोलेन को क्या, मैक्रोफेज ने क्या किया, पोलेन को
लंग्स में आने वाला पोलन को इन्होंने एनगल्फ करा और पार्शियली डिस्ट्रॉय करा। पार्शियली डिस्ट्रॉय करके वो पोलन का एक टुकड़ा क्या करा, मैक्रोफेज के ऊपर MSC का क्या है, रिसेप्टर है, MSC2 रिसेप्टर है, उसके ऊपर एक पोलन का एंटीजन, पोलन का टुकड़ा बैठा दिया और वो पोलन का टुकड़ा देख के MSC के ऊपर टी सेल आके कनेक्ट हो गया बाया टी सेल रिसेप्टर। और टी सेल रिसेप्टर जब भी इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये टी सेल ने क्या कर दिया, ये दो केमिकल और रिलीज कर दिया, एक इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 4। अब देखिए यहाँ पर और एक बात रहता है, अब ये तो क्या है, बाहर से आए वाला है ना पोलन, फॉरेन पार्टिकल है ना पोलन, तो अगर ये बॉडी का खुद का पार्ट होता, ठीक है, तो टी सेल इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। तो अगर बाई चांस अपना खुद का बॉडी का अपना खुद का प्रोटीन भी हो सकता है, तो टी सेल इसको क्या करता है, क्रॉस चेक करता है, ठीक है, क्रॉस चेक करता है और एक प्रोटीन से, तो ये प्रोटीन का नाम है CD4 मॉलिक्यूल, मतलब क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 मॉलिक्यूल से ये क्या करता है, रीचेक करता है कि कहीं अपना बॉडी का तो मतलब कुछ चीज़ें नहीं है, हम कुछ प्रोटीन तो नहीं है। पर जब टी सेल क्रॉस चेक करके देखता है CD4 मॉलिक्यूल से, तो इसको मतलब श्योर हो जाता है कि हाँ ये पोलन है, और ये जब श्योर हो जाता है ये पोलन एंटीजन है, तो ही ये रिलीज करता है क्या बताओ, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 4, अदरवाइज ये रिलीज नहीं करता। अगर खुद का अपना बॉडी का भी मतलब पार्ट हो सकता है तो ये रिलीज नहीं करता, बट अनलकीली ये क्या है, पोलन एंटीजन है, तो टी सेल ने इसको टी सेल रिसेप्टर और क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब CD4 रिसेप्टर से उसको पता करके इन्होंने क्या उनके खिलाफ क्या रिलीज कर दिया, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 4 रिलीज कर दिया। अब इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 जाके क्या करेगा, एक सेल के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है, ये सेल अभी तक क्या है, उतना एक्टिव नहीं है, ठीक है, ये जो सेल है वो उतना अभी तक एक्टिव नहीं है, तो ये सेल का नाम है बी सेल, क्या नाम है इसका बताइए, बी सेल, बोलो क्या नाम है इसका, बी सेल। तो बी सेल के ऊपर खास और कुछ स्पेशल डिजाइन रिसेप्टर रहता है, ठीक है, कुछ स्पेशल डिजाइन रिसेप्टर रहता है ये इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट, ये मानिए कि बी सेल के ऊपर रिसेप्टर। तो ये इंटरल्यूकिन 5 आके यहाँ पर कनेक्ट हुआ, यहाँ पर मतलब सेट हुआ बी सेल के ऊपर, और इंटरल्यूकिन 4 जो है ये आके यहाँ पर क्या हुआ, मतलब बाइंड हो गया। तो जब भी ये बी सेल के ऊपर इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 बाइंड हुआ, तो बी सेल के साथ दो घटना होता है, ठीक है, बी सेल का प्रोलीफरेशन हो जाता है, ठीक है, बी सेल का क्या हो जाता है, प्रोलीफरेशन, बहुत सारा एक बी सेल से बहुत सारा बी सेल बन जाता है, बहुत सारा बी सेल बन जाता है, इस घटना को बोलते प्रोलीफरेशन, Proliferation, प्रोलीफरेशन हो जाता है। और एक घटना होता है, ये घटना नंबर 1, जब इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5 बी सेल के ऊपर बाइंड होगा, तो क्या होता है, दो घटना होता है, एक तो बी सेल का प्रोलीफरेशन हो गया, मतलब एक बी सेल से मल्टीपल बी सेल बन गया, और एक घटना होता है कि ये बी सेल ये कन्वर्ट हो जाता है और एक चैंपियन सेल में, जिसका नाम है प्लाज्मा सेल, क्या नाम है बताइए, ये है प्लाज्मा सेल, इसका नाम क्या है, प्लाज्मा सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लाज्मा सेल, राइट, तो इस घटना को बोलते डिफरेंशिएशन, क्या बोलते बताइए, डिफरेंशिएशन, TION, ठीक है, तो दो घटना होता है। तो बी सेल के ऊपर जब इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 4 बाइंड होता है, तो बी सेल के साथ दो घटना होता है, एक तो बी सेल का प्रोलीफरेशन हो जाता है, मतलब बी सेल का बहुत सारा कॉपी बन जाता है, और एक क्या हो जाता है, बी सेल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लाज्मा सेल में, ठीक है, तो इस घटना को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अब प्लाज्मा सेल क्या करता है, ये प्लाज्मा सेल हैव वेरी यूनिक कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ए यूनिक प्रोटीन, जिसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। ये कौन सा प्रोटीन रिलीज करने लगा बी सेल, पर सेकेंड ए थाउजेंड्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, वाई शेपेड इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन ये रिलीज करता है, ठीक है, तो इसका नाम है एंटीबॉडी, क्या नाम है बताइए, एंटीबॉडी, ठीक है। तो जनरली ये जो एंटीबॉडी
प्लाज्मा सेल रिलीज करा, ये होता है आईजीजी। क्या होता है बताइए? आईजीजी एंड आईजीएम, ठीक है। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन वाई शेपेड प्रोटीन रिलीज करा प्लाज्मा सेल, ये जनरली क्या कौन सा टाइप होता है? इसका पांच टाइप होता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन का, एंटीबॉडी का पांच टाइप होता है। तो ये जनरली क्या रिलीज करता है? इम्यूनोग्लोबुलिन जी, मतलब एंटीबॉडी जी एंड एंटीबॉडी एम, ये जनरली रिलीज करता है। तो एंटीबॉडी जी एंड एंटीबॉडी एम जाके क्या करता है? लंग्स में चला जाता है, ये लंग्स में चला जाता है और जाके बाकी जितना भी पोलन है उसको जाके क्लियर कर देता है। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। बट क्या होता है, जो एलर्जिक पेशेंट है उसमें ये प्लाज्मा सेल और एक तरह का क्या करता है बताइए? इम्यूनोग्लोबुलिन, स्पेशल इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज करता है, मतलब स्पेशल एंटीबॉडी रिलीज करता है जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन ई, मतलब एंटीबॉडी ई रिलीज करता है, ठीक है। ये स्पेशल रिलीज करता है, जनरली ये रिलीज करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर जब एलर्जिक पेशेंट है, कोई एलर्जिक पेशेंट है, तो प्लाज्मा सेल और एक एंटीबॉडी अलग से रिलीज करता है जिसका नाम क्या है? इम्यूनोग्लोबुलिन ई या एंटीबॉडी ई। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या करता है? ये माइग्रेट करके जाता है कहां पर बताइए? ये माइग्रेट करके जा रहा है कहां पर? ये जाता है मास्ट सेल के ऊपर। तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई जाके क्या करता है? ये मास्ट सेल के ऊपर बाइंड हो जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ई मास्ट सेल के ऊपर आके बाइंड हो गया, ठीक है। और जब भी मास्ट सेल के ऊपर आके इम्यूनोग्लोबुलिन ई बाइंड हो गया या एंटीबॉडी ई बाइंड हो गया, तो मास्ट सेल बोरासिसली क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और जब मास्ट सेल एक्टिवेट होता है तो मास्ट सेल ने रिलीज कर देता है एक केमिकल जिसका नाम है हिस्टामिन, हिस्टामिन, ठीक है। तो हिस्टामिन क्या करता है? तीन चार काम कर देता है ये, जो बॉडी में मतलब हलचल मचा देता है। एक तो ये क्या करेगा? इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल। ये क्या करेगा? नंबर वन इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ मास्ट सेल, सेक्रेशन ऑफ मास्ट सेल, सॉरी नॉट मास्ट सेल, इंक्रीज द सेक्रेशन ऑफ गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। तो आप जानते हैं गॉबलेट सेल क्या रिलीज करता है? म्यूकस रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है गॉबलेट सेल? म्यूकस रिलीज करता है। तो यहाँ पर गॉबलेट सेल भी रहता है, ये सब जगह पे गॉबलेट सेल रहता है। तो गॉबलेट सेल ने अगर ये लंग्स में म्यूकस रिलीज करने लगा तो क्या हो जाएगा? लंग्स तो म्यूकस से भर जाएगा, तो आपका नाक से वो म्यूकस नाक से निकलने लगेगा, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सिंबुड बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसका काम है बताइए? गॉबलेट सेल का काम है। तो गॉबलेट सेल एक्सेस अमाउंट में म्यूकस कब रिलीज करेगा? जब हिस्टामिन रिलीज होगा कहां से? मास्ट सेल से, राइट। तो ये नंबर वन। दूसरा घटना क्या है? दो नंबर पे क्या करेगा ये? यहां पर ये लंग्स के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल होता है। क्या होता है बच्चों? लंग्स के अंदर होता है ब्लड वेसल, ठीक है। और आप जानते हैं ब्लड वेसल के अंदर क्या रहता है? सेल रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और ब्लड वेसल के ऊपर ये जो सेल है इसको बोलते हैं एंडोथेलियल सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टामिन आके ये ब्लड वेसल के ऊपर काम कर देता है। तो ये जो एंडोथेलियल सेल है, मतलब ब्लड वेसल का सेल है, इसको श्रिंक कर देता है। श्रिंक बोले तो छोटा कर देता है। तो छोटा अगर कर दिया तो देखिए ये इसके बीच में गैप है, तो ये गैप और बढ़ जाएगा। तो ये गैप अगर बढ़ जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा? फ्लूइड ऊज आउट होके कहां पर आ जाएगा? लंग्स में आ जाएगा। तो लंग्स का एल्वियोलाई, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल क्या हो जाएगा? भर जाएगा फ्लूइड से। तो वही फ्लूइड आपका नाक से टपकने लगेगा और ये म्यूकस के साथ, ठीक है, जिसको सिंबुड बोला जाता है हिंदी में। तो ये और एक काम है। दूसरा बात क्या है? ये जो मैंने यहां पर बताया था कि ब्रोंकियुलर स्मूथ मसल रहता है, ब्रोंकियुलर स्मूथ मसल को क्या कर देगा ये हिस्टामिन? उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो क्या होगा? इसका जो ये जो लुमेन है जहां से एयर आ रहा है और एयर बाहर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? नैरो हो जाएगा। तो ब्रीदिंग क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? अब देखिए ये तो हो गया, दूसरा और क्या हुआ?
ये हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो क्या होता है, प्रोटीएज बोल के एंजाइम रिलीज होता है। कौन सा एंजाइम? प्रोटीएज। तो प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, लंग का अपना खुद का टिश्यू ये क्या करने लगता है, ब्रेक डाउन करने लगता है, तो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वहां पर मतलब हलचल मच जाता है, तो इन्फ्लामेशन होता है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, वहां पर इम्यून सेल न्यूट्रोफिल आ जाता है, ठीक है। तो अनवांटेड फुकट का रिएक्शन हो जाता है जो नहीं होना चाहिए बॉडी में, ठीक। तो दूसरा और एक मुद्दा का बात आपको बताना चाहिए। देखिए नॉर्मली क्या फिजियोलॉजी होता है, एक बार और रिवीजन करते हैं। आपका बॉडी के अंदर क्या आ गया, पोलेन आ गया। तो पोलेन क्या करा, पोलेन जब लंग्स में आया तो मैक्रोफेज ने क्या करा, पोलेन को एनगल्फ कर लिया। मैक्रोफेज ने जब भी पोलेन को एनगल्फ कर लिया तो पार्शियली अगर डिस्ट्रॉय करा पोलेन को या कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करा तो कोई प्रॉब्लम, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पार्शियली डिस्ट्रॉय करा तो ये क्या करेगा, एमएससी मॉलिक्यूल के ऊपर, MHC II मॉलिक्यूल के ऊपर ये पोलेन का एंटीजन ये बैठा देगा। तो यहाँ पर आके टी सेल इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा बाया टी सेल रिसेप्टर, और टी सेल रिसेप्टर को तो कनेक्ट हो जाएगा, और एक बार ये क्रॉस चेक कर लेगा कौन सा मॉलिक्यूल से कि ये अपना बॉडी का तो मतलब एंटीजन नहीं है, अपना मतलब पोलेन तो अपना नहीं है। तो अगर मान लो बाई चांस पोलेन अपना है तो टी सेल कोई मतलब काम मतलब आगे फर्दर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। पर ये पोलेन तो अपना एक्चुअली अपना नहीं है, तो टी सेल क्या करेगा, ये इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 4 क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए CD4 मॉलिक्यूल से क्या करता है, टी सेल क्रॉस वेरीफाई करता है, इस इट आवर ओन एंटीजन और फॉरेन एंटीजन, राइट। अगर ओन एंटीजन हुआ, सेल्फ एंटीजन हुआ तो टी सेल कोई रिएक्शन नहीं कराएगा आगे, बट अगर फॉरेन एंटीजन हुआ तो ही टी सेल क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन 5 एंड इंटरल्यूकिन 4। तो जनरली क्या होता है, जनरली इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 जब रिलीज होता है तो ये बी सेल का क्या होता है, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। प्रोलिफरेशन में बी सेल का बहुत सारा कॉपी बन जाता है, और डिफरेंशिएशन में क्या हो जाता है, बी सेल कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल रिलीज करता है नॉर्मली कौन सा, इम्यूनोग्लोबुलिन M एंड इम्यूनोग्लोबुलिन G, मतलब एंटीबॉडी M एंड एंटीबॉडी G, ठीक है। बट क्या होता है, कुछ समय में क्या हो जाता है, ये जो एलर्जिक पेशेंट है उसका ये जो रिसेप्टर है इंटरल्यूकिन 4 का जो रिसेप्टर है यहां पर आ जाता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन आने से क्या होता है, इंटरल्यूकिन 4 अगर जरा सा इंटरल्यूकिन 4 आके यहां पर बाइंड हुआ मतलब इंटरल्यूकिन 4 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन बी सेल, तो जरा सा इंटरल्यूकिन 4 अगर यहां पर बाइंड हुआ तो क्या हो जाता है, ये एक्सेस अमाउंट में क्या करता है, ये प्लाज्मा सेल बना देता है, और प्लाज्मा सेल नॉर्मली ये दो तो बनाता ही है, और एक्सेस अमाउंट में क्या बनाता है, एंटीबॉडी ई बनाता है, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी ई जाके बाइंड होता है किसके ऊपर, मास्ट सेल के ऊपर, और मास्ट सेल क्या करता है, ये जब एंटीबॉडी ई बाइंड होता है तो मास्ट सेल हिस्टामिन रिलीज करने लगता है, और ये हिस्टामिन क्या करता है, कॉज करता है एलर्जी, ठीक है। तो ये क्यों होता है, जो एलर्जिक पेशेंट है, पर्सन है, उसका बी सेल के ऊपर जो इंटरल्यूकिन 4 का रिसेप्टर है वो क्या हो जाता है, म्यूटेटेड हो जाता है, इसके वजह से क्या होता है, इतना प्रॉब्लम होता है। दैट्स ऑल अबाउट एलर्जिक रिएक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बच्चों।